नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी, समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों अब हम बात करेंगे, आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा कई बार आपको, क्योंकि जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रहती हैं, क्योंकि ये धूप छांव का खेल है और इस कारण से कई बार हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही होती तो हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, कहीं ना कहीं हम बहुत स्ट्रेस में रहने लग जाते हैं, एंग्जियस हो जाते हैं, एंग्जाइटी हमारे अंदर बहुत बढ़ जाती है और इन सब कारण यानी जीवन में असफलताओं के कारण कई बार हम डिप्रेसिव भी होते चले जाते हैं। दोस्तों बात यह है, अगर अभी धूप है तो कल छांव भी होगी, इस प्रकार ये जो है धूप छांव का खेल है, आज रात है तो कल सुबह दिन भी होगा, तो अपनी तरफ से तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए, सफलता असफलता थोड़ी सी हमारे मेहनत तो हमें करनी ही चाहिए। परंतु जिन भी लोगों को लग रहा है कि उनकी असफलताओं या उनके बहुत मेहनत करने के बावजूद उनको उतनी सफलता नहीं मिली और उसके कारण उनको एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा है, जिसके कारण बहुत ज्यादा हमेशा परेशान रहते हैं, तो दोस्तों उनके लिए मैं एक उपाय बताने जा रहा हूं जिससे वो देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल की वृद्धि होगी, उनको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये सब चीजें जो है चंद्रमा के कारण होती है। जब हमारा चंद्रमा अस्थिर हो जाता है यानी असफलताओं के कारण, तब हमारे अंदर एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन होने लग जाता है और इसी कारण हम कई बार हार भी मान जाते हैं जिंदगी में और अब कोशिश भी करना छोड़ देते हैं, यानी जो हमें जिस हिसाब से कोशिश करनी चाहिए उतना हम कोशिश भी नहीं कर पाते। तो जिन लोगों को भी लगे एक्स्ट्रा, या बच्चे भी होते हैं कई बार आप देखें उनके अंदर जिद्दी बहुत होते हैं या एक्सेस में एग्रेसिवनेस उनके अंदर होती है, बच्चों में भी कई बार बड़ों में भी ऐसा होता है क्योंकि असफलताएं उनके हाथ लगी होती हैं, तो उन सभी लोगों के लिए बड़ा सिंपल सा उपाय बता रहा हूं। जितना रेगुलर कंटीन्यूअस पीरियड के लिए अगर आप करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे बहुत बेटरमेंट होती चली जाएगी। करना क्या है, अपने नहाने के पानी में थोड़ा कच्चा दूध प्लस गंगा जल, यानी एक एक चम्मच कच्चा दूध और गंगा जल अगर आप मिलाएं अपने नहाने के पानी की बाल्टी में मिक्स कर लीजिए और उससे यदि आप नहाते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे बेटरमेंट होती चली जाएगी। नहाने का साबुन आप चंदन की खुशबू वाला यदि प्रयोग करेंगे तो वो आपको काफी हद तक हेल्प करेगा, इससे भी कहीं ना कहीं बेटरमेंट की ओर आप जाएंगे। घर में यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो चंदन की खुशबू वाली धूप यदि आप जलाएंगे तो आप देखेंगे घर का वातावरण भी काफी शुद्ध, चंद्रमा का प्रभाव उसमें बना रहेगा, बहुत बेटरमेंट हो जाएगी। अगर आप सफेद चंदन का ही तिलक माथे पे लगाएंगे तो ये भी कहीं ना कहीं बेटरमेंट की ओर आपको ले जाएगा। अगर आप माथे पे नहीं लगा सकते क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा सा आजकल शर्म आती है, तो ऐसे में अगर वो अपने गले के यहां और कान के पीछे लगा लेंगे तो भी उनको कहीं ना कहीं चंद्रमा का प्रभाव बेटरमेंट की ओर ले जाएगा और देखेंगे कि धीरे धीरे उनका गुस्सा, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन कम हो रहा होगा। जैसे बच्चों का भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ओवर एग्रेसिव है तो एग्रेसिवनेस भी कहीं ना कहीं कम होगी, इवन पढ़ाई में भी कॉन्सेंट्रेशन होने लग जाएगी, और अगर जो बड़े लोग हैं उनका काम में कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल को भी काफी हद तक इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा। इसके अलावा जो लोग चंदन की माला अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने गले में अगर सोमवार के दिन चंदन की माला धारण करते हैं तो वो देखेंगे उससे भी कहीं ना कहीं उनके गुस्से में बहुत बेटर होता चला जाएगा। एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एजिटेशन, एग्रेशन, ये सब दूर होगा और कॉन्सेंट्रेशन लेवल आप लोगों का बढ़ता चला जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी, समाधान हमारा, यूट्यूब चैनल, धन्यवाद।